बीजेपी विधायक का विस्फोटक बयान, बीजेपी के अंदर खुले तौर पर सीएम योगी के खिलाफ उठी पहली आवाज। बीजेपी विधायक ने किया स्वीकार, उनके बयान को सुनेंगे तो यही कहेंगे, ये अखिलेश को योगी पर भारी बता रहे हैं। पीडीएस से घबराए बीजेपी विधायक अब खुद करने लगे कबूल, 2027 में योगी की अगुवाई में हार जाएगी बीजेपी। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा। बहुत ही स्थिति खराब है, हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर हालात ऐसे रहे तो यूपी में 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। ये बयान हमारा नहीं, ये विश्लेषण हमने नहीं किया, ये अनुमान बीजेपी के नेता कर रहे हैं। एक नहीं ढेर सारे नेताओं की यही राय है। उन्हीं नेताओं में से एक खुले तौर पर कह रहे हैं, लोकसभा चुनावों में भाजपा को उत्तर प्रदेश ने बड़ा झटका दिया, उस झटके से अभी तक बीजेपी उभर नहीं पाई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश भी डगमगा गया है। ऐसे में भाजपा के सामने अब साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती बन गए हैं। जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रमेश मिश्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। वीडियो में भाजपा विधायक ने अपनी पार्टी और सरकार को लेकर जो कहा, वो वाकई चौंकाने वाला है। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है, हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने अपनी एक वीडियो जारी करते हुए साफ कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अगर हालात ऐसे रहे तो 2027 में यूपी में भाजपा सरकार नहीं बन पाएगी। भाजपा विधायक रमेश मिश्रा का कहना है कि आज की डेट में यूपी में भाजपा की हालत बहुत खराब है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से बड़ा फैसला लेने की मांग भी की है। भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने वीडियो में कहा, जिस तरह समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रही है, उस हिसाब से आज की तारीख में भाजपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं, हमारी सरकार की हालत बहुत खराब है। भाजपा विधायक आगे कहा, मगर हालात अच्छे हो सकते हैं, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा फैसला लेने होंगे। केंद्रीय नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से फोकस करना होगा। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता और प्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी जाकर परिणाम आ सकते हैं। तो क्या माना जाए, बीजेपी एमएलए रमेश मिश्रा ये मानकर चल रहे हैं? सपा विधायक अखिलेश यादव की राजनीति सीएम योगी की राजनीति पर भारी पड़ गई है। बीजेपी आलाकमान से वो ऐसे कौन से बड़े फैसले लेने के लिए कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कह रहे हैं?